तेज रफ्तार कार और ऑटो की आमने सामने भिड़ंत। मामला थाना सदर क्षेत्र के एनसीसी ग्राउंड के पास एक तेज रफ्तार कार और ऑटो की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो चालक और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक ऑटो गोवर्धन चौराहे से सवारी लेकर लक्ष्मी नगर जा रहा था, तभी एनसीसी ग्राउंड के समीप सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जहां तीनों लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कार चालक मौके से फरार हो गया। ऑटो सवार लोग गोवर्धन चौराहे के पास एक कंपनी में सिलाई का कार्य करके घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। मथुरा से संवाददाता उमेश कदूरी। नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सैनी। ये एक्सीडेंट जो टेम्पो और कार का हुआ है, अरे सर इसने ना बालपड़े में पहले मार दिया था एक आदमी, परफेक्ट हॉस्पिटल में भर्ती है, वो मेरा मामा था। क्या नाम है उनका? उनका नाम मुकेश। और ये यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, इसमें तीन ऑटो में सवार लोग थे, इनकी नहीं पता मेरे को, इनकी नहीं पता मेरे को।